नमस्कार, मैं क्या बोध गया से राजेश को। व्रत की होली अब पूरे देश में मनाई जाती है। आवाज हमें बोध गया में, बोध गया की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा होली की मस्ती में रंगे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद होली खेलने के लिए रोक तो लगाई गई थी, लेकिन जो इच्छा शक्ति है हर व्यक्ति की, मन की जो आज़ादी है, और सरकार का ये भी एक आदेश है कि पारिवारिक होली आप खेल सकते हैं, तो ये सारे एक परिवार के सदस्य जो अभी होली के मस्ती में रंगे हुए हैं, रंगो अबीर के साथ यहाँ पे मजे ले रहे हैं। और हम आपको दिखा दें कि बोधगया में अलग अलग जो एक संबंध है, आपसी भाईचारा, एक प्रेम का जो प्रतीक है होली का, जो त्यौहार जो बड़े धूमधाम के साथ जो लोग मनाते हैं उसमें भी लोग जमे हुए हैं। हम यहाँ पे कई लोगों को परिचय तो नहीं करवा सकते, लेकिन सभी सम्मानित महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं और हम जाने कि होली के किस रूप में देख रहे हैं, कि कैसा लग रहा है इस बार की होली। बहुत अच्छा लग रहा है। इनरविल की तरफ से सारी, मतलब जितनी भी व्यवस्था है अच्छी है, और सारी महिलाओं को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। जी, होली की शुभकामनाएं तो हर कोई दे रहे हैं, लेकिन हम जानेंगे कि किस रूप में होली का इस बार जश्न सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या है इस बार। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोरोना काल में लोगों का जीवन काफी बदल चुका है। काफी लोग डरे हुए थे, घर में सिमट करके रह गए थे, लेकिन ये इस समारोह में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लगा, और काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग अपने सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जी, सेफ्टी के साथ ही होली का मजा इस बार हर कोई लेने में तो लगे हैं, लेकिन महिलाएं की आज भी बुलंदी कम नहीं है। यहाँ पे हम जाने की बोध गया में आप काफी दिन से हैं, आप यहाँ पे समाज सेवा के काम करते हैं, कैसी तैयारी आप लोगों की? जी, मैं सुमीरा गुप्ता, मैं यहाँ की वार्ड काउंसिलर हूँ। आज मुझे यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया गया है, और ये जो क्लब है इनरविल क्लब, ये 3 सालों से चल रहा है, और इसकी जो प्रमुख भूमिकाएं में है सारी महिलाएं हैं, और इस तबके का ही बोध गया में प्रोग्राम पहली बार महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, और सभी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। यह हम महिलाओं के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि हम भी अब इस तरह के त्योहारों को मनाने के उसका भाग बन रहे हैं। इसीलिए मैं इस मौके पे बोध गया वासियों को, और यहाँ सभी जो भी इनरविल के क्लब के मेंबर हैं उन सभी को, और सभी आप सभी मीडिया वालों को भी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी कोरोना काल से हम लोग अभी निपटे नहीं पूरी तरह से, आप सभी मनाइए होली, लेकिन अपनी सुरक्षा को रखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप सभी होली के पर्व को खुशियों से मनाएं, यही आपसे अपील होगी। ये खुशियों से बांटने का ये त्योहार है, हम आप से मिल करके खुशियाँ बांटते हैं, और खुशियाँ जब तब बढ़ती है जब आपस एक दूसरे के साथ हम लोग गले मिलते हैं, और ये हम जानेंगे कहीं ना कहीं ये जो त्योहार जो हम लोग करते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं, खास करके जैसे कि लोग चर्चा करते हैं कि देवर भोजाई का ये मुख्य रूप जो है या पूजा शाली का है, तो कैसा महिलाओं में ये कैसा रंग आप लोग देख रहे हैं गीतों के साथ? महिलाओं में तो बहुत अच्छा रंग है, बहुत मतलब हम लोग फील कर रहे हैं कि मतलब अच्छा है, इनरविल की तरफ से बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट हुआ है, और अच्छा लग रहा है। जी, अच्छा लग रहा है। सारे लोग यहाँ पे इस जश्न में शामिल हुए हैं। हम आपको दिखा दें कि अलग अलग सदस्य यहाँ पे पहुँचे हैं, और सारे बच्चे भी इसमें उतना ही खुश नज़र आ रही हैं जितना बच्चे का रंग चेहरे पर दिख रहा है, वो बड़ों पर भी दिख रही है। आई होली का रंग का ये वो जश्न है, ये त्यौहार वर्ष में एक बार हम लोग मनाते हैं, और बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। हम जानेंगे यहाँ पे कई और लोग हैं, ये होली का रंग आप लोग रंगे हैं बहुत ही मिजाज के साथ, बहुत ज्यादा उमंग और बहुत ज्यादा उत्साह के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और हमारी बोध गया की सारी महिला ने बहुत सहयोग किया हमारा, और हम लोग भी चाहे कि बस होली के रंग बसोर में रंगना है, ये कोरोना सबको मार डाला था, मन उदास थोड़ा हैप्पी खुशी लाने का माहौल हमने ने कोशिश किया, और हमारी सभी बोध गया की महिला ने हमारा बहुत साथ दिया। तो इस होली में आप लोग अपने देवर को छोड़ दिए, सारे तो महिलाएं हैं। एक्चुअली क्या है ना, एक तो कोरोना और ऊपर से नहीं, ये क्लब महिलाओं का क्लब है जी, इसलिए इसमें हम लोग जब भी हर कुछ मनाते हैं, इसलिए होली मिलन भी हम लोग मना रहे हैं, तो महिला का ज्यादा अफोर्ड होता है, तो ये सिर्फ महिलाओं का क्लब है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती है। नहीं नहीं नहीं, होली तो ये राधा कृष्ण की होली की परंपरा है, राधा यहाँ राधा है, ये सिर्फ राधा हमारे नित्यानंद जी है जी यहाँ पे, ये क्योंकि मस्ती करने का ये पहला ये जश्न हम लोग हर कोई शामिल होते हैं, लेकिन होली होली का गीत जो है वो आप भी बजवाइए, और होली का जो जश्न है हम चाहेंगे कि होली के एक नए गीतों के साथ आप लोग
ढूंढने का काम एकदम बिल्कुल। अभी हमारे सभी टीम की ओर से एक गाना अभी हम प्रोजेक्ट हम लोग का होप है एच ओ पी।